हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूँ सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th की बायोलॉजी नीट के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड के लिए, आईसीएसई बोर्ड के लिए। तो बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, अगर आप क्लास 11th में हैं, क्लास 12th में हैं, आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप पूरी वीडियो जरूर देखा करिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ना, जिससे क्या हो हमारे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ें और चैनल ग्रो करें, हमको भी मोटिवेशन मिले बेटा, और हम आपके लिए और दिन रात अच्छे से मेहनत करें, अच्छे से अच्छी वीडियो 100% एनसीईआरटी की लाएं। तो चलिए बच्चों, इस टॉपिक में आज हम देखेंगे कि हम लोगों ने कल ये देख लिया था लास्ट में कि एजेंट ऑफ क्या है, पॉलिनेशन, या एजेंट फॉर पॉलिनेशन। तो परागण के लिए कौन कौन से कारक होते हैं? तो बेटा, बात हुई थी परागण के लिए हमारे पास क्या होता है, एबायोटिक एजेंट होता है। एबायोटिक एजेंट का मतलब आप जानते हैं निर्जीव कारक ना, ए है। आइए बेटा, क्या है बायोटिक एजेंट, मतलब महाराज क्या है सजीव कारक। मतलब जब परागण निर्जीवों के द्वारा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, याद रखिएगा, ए बायोटिक एजेंट। और जब परागण सजीवों के द्वारा होता है, जब सजीव जो है परागण करता है, तो उसे बायोटिक एजेंट कहा जाता है। तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था, ये इसलिए बता रहे हैं कि जिन्होंने ना देखा वो प्लीज वो प्ले लिस्ट में जाए, लिखा है नीट 2024 बायोलॉजी, बेटा उसमें जरूर देखिए। इसमें दो चीजों के द्वारा होता था, एयर के द्वारा होगा और क्या, किसके द्वारा, वाटर के द्वारा होता है। तो हम लोगों ने देखा था कि ज्यादातर परागण किसके द्वारा होता है, सजीवों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बेटा, इसके द्वारा होता है। लेकिन कुछ परागण क्या है, निर्जीवों के द्वारा, मतलब बोले तो वाटर और क्या है, एयर। तो उसमें एयर के द्वारा सबसे ज्यादा होता था। तो बच्चों, आप पिछली वीडियो जरूर देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाके, ताकि कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि बहुत जरूरी है आगे पढ़ने के लिए, पीछे वाला आपका अच्छे से तैयार होना चाहिए। तो बेटा, आज हम देखेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है एयर के द्वारा पॉलिनेशन। जैसे पिछली वीडियो में बताए थे आपको कि हमारे पास जब एयर के द्वारा या पानी के द्वारा क्या होता है, परागण होता है, तो बेटा वो चांस की बात होती है, क्योंकि पता चला उड़ के कहीं और चले गए, बह के कहीं और चले गए ना। तो एक ओव्यूल के चक्कर में भगवान बहुत सारे क्या है, पॉलन रिलीज करते थे। न्यूमेरस क्या है पॉलन, इन कंपैरिजन ऑफ क्या है, नंबर ऑफ ओव्यूल प्रेजेंट फॉर क्या है, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के लिए जितने हमारे पास ओव्यूल रहते हैं बेटा, उसके कई गुना ज्यादा पॉलन रिलीज किए जाते थे। तो आइए हम देखेंगे पॉलिनेशन बाय क्या है, एयर। तो हेडिंग डालते हैं, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, हमें आपकी जरूरत है और ये हम आपको बता रहे हैं। पॉलिनेशन बाय एयर। तो बेटा, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा परागण किसके द्वारा होता है, तो सबसे ज्यादा बार बार बोलते हैं ताकि याद हो जाए, सबसे ज्यादा परागण सजीवों के द्वारा होता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि एबायोटिक एजेंट में या निर्जीव कारकों में सबसे ज्यादा परागण किसके द्वारा होता है, तो सबसे ज्यादा परागण महाराज किसमें, एयर के द्वारा होता। अब आइए देखते हैं कि एयर पॉलिनेशन के लिए कैसा होना चाहिए स्टामेन, कैसा होना चाहिए स्टिग्मा, ये सब भी हमको देखना जरूरी है। आगे देखते हैं बेटा, यहाँ पर पॉलिनेशन बाय एयर कॉमन क्या है, कॉमन इन ए बायोटिक एजेंट, क्या है, इन ए बायोटिक। बेटा, ए बायोटिक एजेंट में अगर हम बात करें ना, तो सबसे ज्यादा किसके द्वारा होता है, एयर के द्वारा। पॉलिनेशन बाय एयर कॉमन इन ए बायोटिक पॉलिनेटर्स, सबसे ज्यादा बेटा किसके द्वारा, एयर के द्वारा होता है। अब देखेंगे कि अगर किसके द्वारा,
परागण होना है एयर के द्वारा, मतलब पराग कण क्या हो, एयर में वायु में उड़ करके जाए और स्टिग्मा तक पहुंचे, तो इसके लिए आप सोचिए क्या क्या जरूरी होता है। तो कौन कौन से रिक्वायरमेंट होंगे एयर पॉलिनेटर के लिए, सॉरी एयर पॉलिनेशन के, तो हम यहीं पे आपको बता दे रहे हैं हेडिंग के रूप में बेटा कि रिक्वायरमेंट फॉर एयर पॉलिनेशन ये पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे बेटा ताकि अच्छे से याद रहे। पॉइंट टू पॉइंट रिक्वायरमेंट फॉर एयर पॉलिनेशन, पहली बात तो आप जानते हैं कि पॉलन निकलता कहां से है, एस्टामिन से। एस्टामिन में कहां एंथर, क्या है एंथर, तो एंथर कहिए या एस्टामिन कहिए वो वेल एक्सपोज्ड होना चाहिए महाराज, खुला होना चाहिए ताकि जब हवा चले तो इधर से ऐसे क्या है पॉलन को लेकर के उड़ जाए। तो आइए हम लोग देखते, थोड़ा गर्मी है लेकिन अब क्या किया जाए, काम तो करना ही है। तो बेटा पहला रिक्वायरमेंट आप याद रखिएगा, फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या होगा बेटा, एस्टामिन। एस्टामिन एस्टामिन में कहा महाराज एंथर, क्योंकि जहां पे पराग रहता है। वेल एक्सपोज्ड आपने सुना होगा ना, एक्सपोज बहुत करते हैं, एक्सपोज मतलब खुला ना, ज्यादा दिखाई देता रहना चाहिए ना, जैसे आपने किसी एक्ट्रेस का सुना होगा टीवी में मूवीज में, यार बहुत एक्सपोज करती है मतलब बहुत खुला है, ठीक है। तो बेटा ओपन होना चाहिए एंथर, ताकि हवा चले और वहां से पॉलन उड़े और कहां स्टिग्मा तक पहुंचे, इसी को कहते हैं एयर पॉलिनेशन। तो स्टामेन ना या एंथर वेल एक्सपोज्ड होना चाहिए पहला। दूसरी कंडीशन क्या होगी बेटा, जो हमारे पास पॉलन है, पॉलन क्या होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, बहुत हल्का होना चाहिए। तो लिखेंगे कि पॉलन ग्रेन्स आर लाइट, लाइट मतलब हल्का, लाइट मतलब बेटा क्या होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, काहे ताकि हवा में उड़ के चला जाए। बहुत बड़ा है तो हवा में क्या है वो वजनदार है, तो हवा में सही से उड़ के महाराज नहीं जाए। तीसरी कंडीशन क्या है एयर पॉलिनेशन के लिए, कि नॉन स्टिकी हो, मतलब चिपचिपा नहीं होना चाहिए, पता चला चिपक गए हवा चले चिपके हैं ना, चिपचिपका नहीं होना चाहिए ताकि हवा चले तो उड़ के जाए, तो हम इसे कहेंगे कि नॉन स्टिकी। क्या लिखेंगे तीसरा, पॉलन ग्रेन्स और क्या होना चाहिए, और नॉन स्टिकी नॉन स्टिकी का मतलब चिपचिपा रहित, चिपचिपा नहीं होना चाहिए। तो यहां पे लिखते रहे बेटा चिपचिपा नहीं होना चाहिए, चिपचिपा नहीं होना चाहिए, वो तो आप जान गए कि हल्का होना चाहिए, चिपचिपा नहीं होना चाहिए। ये तो मेल वाला हुआ, लेकिन बोले हैं आप जानते हैं हमारा कि क्या होता है परागण ना, एंथर से पराग कणों का कहां पर स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को ही परागण कहते हैं। अब ये एयर के द्वारा हो, ये क्या हो, किसके द्वारा हो सकता है, पानी के द्वारा, और किसके द्वारा, सजीवों के द्वारा। तो अभी हम निर्जीव कारकों की बात कर रहे हैं, एबायोटिक एजेंट्स की बच्चों बात कर रहे हैं। तो मेल का कंडीशन तो देख लो, फीमेल को भी कैसे होना चाहिए, अगर कोई आ रहा है तो तुमको भी अपने बाहें ऐसे फैला के क्या है रखना चाहिए ना, जैसे आप मूवी में देखे आ गले लग जा ना, कि बेटा क्या हो जाइए गले मिलना है तो बाहें फैला के, यहाँ तो ये बेटा देखो गया उड़ के और उसको क्या है आना है। तो इस समय जब बात किए थे कि एंथर हमारे पास या स्टामिन वेल एक्सपोज होना चाहिए, तो अब बेटा बात इसमें चौथी कंडीशन क्या हो रही है, चौथी कंडीशन जहां पे जाना है स्टिग्मा के पास, तो स्टिग्मा क्या होनी चाहिए, फेदरी होनी चाहिए, पंखों वाली होनी चाहिए कि ताकि पॉलन आए और उसी में फंस जाए, अरज जाए, ट्रैप हो जाए, मतलब जाल की तरह हो, ट्रैप मतलब फंसाना, उसमें फंस जाए बेटा। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टिग्मा क्या होनी चाहिए, ये भी याद रखना है, लिखेंगे स्टिग्मा शुड बी
बी क्या होनी चाहिए बेटा, लार्ज हो, बड़ी हो, एंड क्या होना चाहिए, फेदरी स्टिग्मा, क्या हो, लार्ज हो एंड फेदरी। फेदरी का मतलब जैसे कह रहे ना पंखों वाली ना, उसमें क्या हो बहुत सारे, जैसे मूछे हम लोग निकल रहे हैं देखो उसमें सुतरा निकला रहता है। अभी एग्जांपल दिया है का कॉर्न क्रॉप का, मक्के का भुट्टा आप देखे होंगे, उस मक्के के भुट्टे में बेटा ऐसे 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 बहुत सारे क्या है निकले रहते हैं। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, एक सामान्य सी बात हो रही है, ज्यादा ओरिजिनल बनाना नहीं हमको। आप किताब में देखेंगे, देखिए आपको साइड में दिख भी रहा है कॉर्न क्रॉप, तो थोड़ा सा बनाते हैं। तो मान लो ये कह रहे हैं कि ये सब बेटा हमारे पास क्या हो गए, अंदर से कॉर्न लगा है, और थोड़ा सा एक मिनट और समय दीजिए ताकि आपको बकायदे दिखा सकें। अच्छा, तो इसमें देखा करिए कि ऐसे 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 लटका रहता है कुछ, ऐसे ऐसे क्या है लटका रहता है, तो ये बेटा स्टिग्मा है क्या है? तो चलिए बच्चों, हमने अभी देखा कि क्या करना है। अब ये भी देख लें कि जब एयर पॉलिनेशन हो तो उसके लिए स्टिग्मा को कैसा होना चाहिए। स्टिग्मा शुड बी क्या होना चाहिए बेटा, लार्ज होनी चाहिए, फेदरी होनी चाहिए। तो जैसे अभी हमने दिखाया कि ये कॉर्न कॉब है, क्या है कॉर्न कॉब, मान लो मक्के का भुट्टा है, उसमें देखो बहुत सारे ये फीडर्स हैं, ये क्या है इसके बेटा फीडर्स हैं, ताकि इसमें क्या हो जाए पॉलन ट्रैप हो जाए, क्या हो जाए पॉलन ट्रैप, ये क्या हो जाए बेटा फंस जाए, पॉलन क्या है फंस जाए, और इसमें क्या हो जाए बेटा पॉलिनेशन हो जाए। तो हम लोगों ने ये भी देख लिया है। अब हमको जो है बेटा, और आपको बहुत सारा ये जरूरत की बात है, थोड़ा सा यहीं पे स्टिग्मा जब हो, लार्ज एंड फेदरी स्टिग्मा, लार्ज एंड फेदरी स्टिग्मा टू इजिली ट्रैप, क्या बेटा इजिली ट्रैप, इजिली ट्रैप एयर बॉर्न पॉलन, पॉलन मतलब एयर के द्वारा जो पॉलन आ रहा है उसको अच्छे से क्या है ट्रैप किया जा सके, फंसाया जा सके। तो बच्चों एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं बहुत ही ध्यान से, बहुत ही जल्दी। तो आइए देखते हैं बेटा, पॉलिनेशन बाय एयर जब होता है तो पॉलिनेशन बाय एयर क्या है, कॉमन इन एबायोटिक क्या है पॉलिनेटर्स है, या एबायोटिक पॉलिनेशन में कौन सा कॉमन होता है बेटा, एयर पॉलिनेशन, कौन सा एयर पॉलिनेशन। रिक्वायरमेंट फॉर एयर पॉलिनेशन, एयर पॉलिनेशन अच्छे से हो, परागण वायु के द्वारा हो, इसके लिए क्या क्या जरूरी है याद रखिएगा। वायु का मतलब जब हवा से वो जाएगा तो वो उड़ने वाला होना चाहिए, उड़ेगा कब बेटा जब हल्का होगा, जब चिपचिपा नहीं होगा, और क्या होगा जब खुला होगा, कहीं पता चला बंद डिब्बे में है तो कैसे उड़ के जाएगा। तो इसके लिए बंद डिब्बा मतलब हम कह रहे हैं पराग कोष क्या होना चाहिए, खुला होना चाहिए ताकि हवा चले, तो क्या है वहां से कहते हैं हवा चले सांस उड़े ना, हवा चले पॉलन उड़े और स्टिग्मा तक पहुंचे। तो बेटा ये देखो पहली बात हो गई कि यहाँ पे स्टामेन बोले तो मेन चीज क्या है, एंथर वेल एक्सपोज होना चाहिए, खुला होना चाहिए। दूसरा हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है, पॉलन ग्रेन्स आर क्या होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, जब बहुत भारी रहेगा तो हवा में उड़ ही नहीं पाएगा, जहां पहुंचना है अपनी वाली के पास तक पहुंच नहीं पाएगा। याद रखिएगा पॉलन ग्रेन्स आर क्या है, नॉन स्टिकी, चिपचिपा नहीं होना चाहिए, कि पता चला जहां चिपक गए वहीं के हो गए, वहीं रह गए, ना 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 चिपचिपा नहीं होना चाहिए, हल्का हो और चिपके ना, तो उड़ने में सहायता होगी। और मेल में इतनी कंडीशन, तो फीमेलों को तो भी कुछ करना पड़ेगा, स्टिग्मा को भी तो कुछ करना पड़ेगा। एक बेचारा भागे भागे हवा में आ रहा है, उड़ते उड़ते आ रहा है, कहीं बैठ नहीं रहा है, चिपचिपा नहीं है ना, पॉलन उसका पहले से अंतर खुला था, तो तुम भी तो हाथ बढ़ाओ, साथी हाथ बढ़ाना। हम जानते हैं क्या कहते हैं, अकेले अकेले कहां जा रहे हो, जरा साथ हमें भी ले लो, अपने कोलगेट का प्रचार देखा होगा ना। तो बेटा स्टिग्मा क्या हो, जब मेल ऐसे आ रहा है मतलब पॉलन आ रहा है, तो स्टिग्मा को क्या होना चाहिए, स्टिग्मा शुड बी होनी चाहिए, लार्ज होनी चाहिए, बड़ी, आओ बड़े दिल वाली होनी चाहिए ना। और फेदरी स्टिग्मा,
स्टीमा ये भी क्या हो, छिदरी हो, उसमें क्या हो बेटा, ऐसे जाल जैसा पंख बहुत सारे निकले रहे हैं ताकि पॉलन उसमें क्या हो जाए, ट्रैप हो जाए, फंस जाए। तो मकई आपने देखा है, ऐसे मकई का भुट्टा रहता है, जब उसका हरा भरा पार्ट निकालते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे सुतरा लटके रहते हैं, कुछ नहीं पॉलन ट्यूब है, सब पॉलन ट्यूब है। स्टिग्मा वहां से क्या है, पे पॉलन गिरा वो अंदर पहुंचाई। तो बेटा याद रखिए, टू इजिली ट्रैप क्या है, एयर बॉर्न पॉलिनेशन। तो बेटा इसको हमें देख लिए, अभी कुछ और बचा है कि जो एयर के द्वारा जिन फ्लावर में पॉलिनेशन होता है इसको हटाते हैं, उसमें सिंगल ओव्यूल पाया जाता है इन ईच फ्लावर। एक में ही हमारे पास क्या होगा बेटा, एक ही ओव्यूल, तो उसमें क्या करते हैं, एक इनफ्लोरिसेंस में बहुत सारे ओव्यूल लगे हुए होते हैं। तो याद रखिए, हमने गेंदा देखा है, अपने पीला वाला गेंदा देखा होगा, उसमें देखो इतने छोटे 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 फूल लगे रहते हैं, अब पूरा गुच्छा रहता है, बड़ा गुच्छा वाला फूल, एक एक निकाल निकाल के ऐसे करते हैं। तो बेटा याद रखिएगा कि इसमें जिसमें एक ही ओव्यूल पाया जाता है, उसमें एक इनफ्लोरिसेंस में बहुत सारे फ्लावर हम लोगों के पास लग जाते हैं। चलिए बेटा अब थोड़ा सा आगे देखते हैं, अब नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, विंड पॉलिनेटेड, यहां से है बेटा, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर कैसे होते हैं बेटा ना, वो विंड इन विंड पॉलिनेटेड फ्लावर ऑफेन ऑफेन ना हैविंग सिंगल ओव्यूल, क्या होगा बेटा, सिंगल ओव्यूल इन ईच फ्लावर। बेटा ये पॉइंट याद रखिएगा, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन है, तभी सिलेक्शन होगा, कुछ और नहीं भैया, वही चीज याद होनी चाहिए ताकि स्टेटमेंट आए तब भी सही हो, ट्रू एंड फॉल्स आए तब भी सही हो, मैचिंग पेयर आए तब भी सही हो ना, एमसीक्यूज में आपको चार्ट ढूंढना है तब भी सही हो। तो इसलिए याद रखिएगा कि विंड पॉलिनेटेड जो फ्लावर होते हैं ऑफन हैविंग क्या, सिंगल ओव्यूल, एक ही ओव्यूल पाया जाता है इन ईच फ्लावर। प्रत्येक फ्लावर में आपसे पूछ लेगा न किस तरीके के पॉलिनेशन में या किस तरीके के पॉलिनेटेड फ्लावर में, बताइए एक ही क्या है ओव्यूल पाया जाता है, एक ही फ्लावर है इन ईच ओव्यूल, फ्लावर की जगह जहां पे है इसे हम क्या कर देंगे बेटा, इन ईच ओवरी, क्योंकि ओव्यूल कहां पे होता है, ओवरी में होता है, याद रखिएगा। तो अब देखिए थोड़ा सा एक बात और बच गई है हमारे पास, तरीके के फिर फ्लावर में क्या होगा कि एक ही फ्लावर में न्यूमेरस बहुत सारे क्या हो जाएंगे, फ्लावर हो जाते हैं एक इनफ्लोरिसेंस में। तो अब लिखेंगे न्यूमेरस न्यूमेरस फ्लावर पैक्ड इन एन इनफ्लोरिसेंस इन अ फ्लोरिसेंस, एक ही इनफ्लोरिसेंस में बेटा बहुत सारे हमारे पास फ्लावर क्या हो जाते हैं, पैक हो जाते हैं। चलो बेटा तो न्यूमेरस फ्लावर पैक्ड इन एन क्या है, इनफ्लोरिसेंस, किसमें, एयर वाले पॉलिनेशन में। एग्जांपल याद रखिएगा, जैसे कह रहे हैं कॉर्न कॉब, क्या है कॉर्न कॉब, अभी बनाए थे मकई के भुट्टा में, देखो बहुत सारे हमारे पास होते हैं। अब थोड़ा सा ये देखेंगे कि ये जो सब कुछ हम बताए हैं, एयर पॉलिनेशन ज्यादातर किसमें होता है, एयर पॉलिनेशन बेटा ज्यादातर ग्रास फैमिली में होता है, तो ये भी याद रखिएगा, मतलब मोनोकॉट की बात हो रही है। लिखेंगे एयर पॉलिनेशन क्या है, एयर पॉलिनेशन कॉमन इन। तो बच्चों हमने अभी देखा कि एयर पॉलिनेशन क्या होता है, कॉमन इन ग्रासेस, याद रखिएगा। तो आपसे पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन ही यही बन जाएगा कि बताइए ग्रासों में क्या है, जो घास हमारे पास होती है, घास फैमिली होती है, उसमें पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है, एयर के द्वारा होता है।